ओप्पो रेनो सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस साल हमें तीन फोन देखने को मिलते हैं, 10, 10 प्रो और 10 प्रो प्लस 5G हमारे पास है फ्लैगशिप वाला, जो कि 54999 का आता है और कुछ ऑफर्स के साथ हो सकता है आपको 50 तक का मिल जाए। तो क्या इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स है मैं आपको सारे अच्छे से बताऊंगा, कुछ ऐसे भी कॉन्स है जो आपके लिए हो सकता है डील ब्रेकर हो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैमरास की बात करते हैं क्योंकि रेनो सीरीज जो है हमेशा अपने कैमरा के लिए पॉपुलर रहता है। मेन लेंस की बात करें तो इसमें आपको सोनी IMX890 सेंसर देखने को मिल जाता है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, वो भी सोनी लेंस है, और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। तो 64 ही अब तक का सबसे बड़ा नंबर है जो मैंने टेलीफोटो में सुना है, बट ये ओमनीविजन सेंसर है, ये आप ध्यान रखना। मैंने काफी सारे डेलाइट शॉट्स लिए हैं और जैसा आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज काफी ज्यादा अच्छा है और डिटेल भी इसने बहुत ज्यादा अच्छे से कैप्चर करा है। अगर हम ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें तो स्किन टोन काफी ज्यादा नेचुरल रहता है, ज्यादा ब्यूटिफिकेशन नहीं करता। अब इसमें एक नया फीचर देखने को मिलता है, वो है प्रो XDR, वो थोड़ा डिस्प्ले का फीचर है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी HDR फोटोज लेते हैं तो ये क्या करेगा, उसको और थोड़ा वाइब्रेंट दिखाएगा और थोड़ा उसका डायनेमिक रेंज बढ़ा के दिखाएगा, बट ये एक्चुअली में इतना यूजफुल नहीं है। अब अल्ट्रा वाइड की बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, डिटेल्स जो है वो बहुत ज्यादा कम आती है, तो वहां पे थोड़ा ओपो को और बेटर करना चाहिए था। कलर भी है वो मेन लेंस से थोड़ा डिफर करता है। अब बात करते हैं इसके पोर्ट्रेट लेंस की। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहली बात तो मारी सिलिकॉन का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको फिल्टर्स मिलते हैं, इसमें आपको AI कलर पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है, बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है, और इस बार जो है आप 3x जूम पे ये पोर्ट्रेट लेता है, तो उससे क्या आपको DSLR लाइक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इमेज की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जैसा आप देख पा रहे हो मैंने ये AI कलर पोर्ट्रेट में फोटो सैंपल लिया था और इसमें आप देख पा रहे हो इसने बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रखा है, थोड़ा सटल कर रखा है, तो बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग भी लगता है। अब लो लाइट पोर्ट्रेट की बात करें तो वहां पे हल्का सा जो इसका डिटेल है वो थोड़ा लॉस हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा मेरे को लगा थोड़ा और बेटर हो सकता है। अब इसके जूम इन कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें आपने सुना ही होगा अभी तक 120x सुपर जूम देखने को मिल जाता है। अब 120x सुपर जूम उतना भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि असली में जब आप 120x तक जूम करते हो तो वहां पे जाके थोड़ा पिक्चर थोड़ा क्या काफी ज्यादा ब्लरी हो जाता है, ऐसा लगता है कि ऑयल पेंटिंग है। बट स्टिल मैंने देखा कि 6x तक काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले पिक्चर्स ये ले लेता है। अब शटर स्पीड की बात करें तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये स्लो है। जैसा आप देख पा रहे हो अगर मैं लगातार शटर करता हूं तो थोड़ा सा लैग है, जैसे देखा आपने अभी ये रुक गया था, तो वहां पे इंप्रूवमेंट करा जा सकता है। अब वीडियोस की बात करें तो ये 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है बैक कैमरा से, और फ्रंट जो है वहां पे सिर्फ 1080 30fps है, तो यहां पे भी 4K रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वो काफी ज्यादा स्टेबल है और कलरफुल भी है, और मेरे को डायनेमिक रेंज भी जो है वो डिसेंट लगा। अब फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहां पे आपको 32 मेगापिक्सल का सोनी का लेंस देखने को मिलता है, और यहां पे भी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑटो फोकस भी देखने को मिलता है। बट एक मुझे बस थोड़ी सी इशू ये लगी कि जो इसमें डिफॉल्ट मोड है उसमें थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन ज्यादा रहता है, तो मैंने नेचुरल कर दिया था, उसके बाद जो है मेरे को फोटोज और भी ज्यादा क्रिस्प लगे। अब सेकंड प्रो के बारे में बात करते हैं, वो है इसका परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में हमें 8+ Gen 1 देखने को मिल जाता है। रैम की बात करें तो 12GB LPDDR5 रैम और UFS 3.1 256GB का स्टोरेज है। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है, डेली उसमें फोन काफी ज्यादा स्मूथ लगता है और ऐप ओपनिंग भी जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है। अच्छी बात यह है कि जब हमने गेमिंग भी ट्राई करी तो आप हाईएस्ट सेटिंग पे सारे गेम्स इस पे इजीली रन कर पाओगे। एसफॉल्ट में हीट नहीं करा, BGMI में भी इसने अच्छे से रन कर लिया, बट जब हमने जेंशन इंपैक्ट प्ले करा तो हाँ वहां पे ये फोन थोड़ा हीटअप हो गया था, और जेंशन काफी ज्यादा एक हैवी टाइटल भी है तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि उसमें हीटअप होगा, बट इतना भी हीटिंग नहीं था कि मैं बोलूंगा कि आपको अनकंफर्टेबल हो जाए। तो इस मामले में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था, और हमने इस पे काफी बेंचमार्क भी रन करके देखे, N22 भी रन करा था जिसका स्कोर 12 लाख से ऊपर आया था, और हमने एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट भी रन करा था, उसमें स्टेबिलिटी जो थी वो सिर्फ 60.7% आया था, वो हमने देख रखा है कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 में थोड़ा कम ही रहता है। अब बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा 4700mAh बैटरी है और 100W की चार्जिंग है। अब बैटरी की बात करें तो स्क्रीन ऑन टाइम जो था वो मुझे सिर्फ मिला था 4 घंटे और 25 मिनट का। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस भी रखना होगा कि हम लोग जो है काफी हैवी टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें मेरा ब्राइटनेस लगभग फुल रहता है, और जो परफॉर्मेंस मोड भी है उसको भी हम हाई पे रखते हैं, स्टैंडर्ड मोड पे नहीं रहता है। बट स्टिल 4 घंटे 25 मिनट ज्यादा नहीं है, अगर आप मॉडरेट यूज करते हो तो एक दिन ही आपका चल जाएगा। लेकिन कहां ये इंप्रेसिव है वो है इसका चार्जिंग, 100W जो चार्जिंग है। ओपो ने क्लेम करा है 30 मिनट्स के अंदर 0 to 100 हो जाता है, और हमारी टेस्टिंग में आपका 35 के अंदर ये हो जाता है इजिली, तो चार्जिंग में आपको कोई इशू नहीं होगा, और हाँ बॉक्स में चार्जर भी है। अब डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो फोन दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है, और बंप अगर आप देख पा रहे होगे तो काफी ज्यादा बड़ा है इसका। क्या मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैं आपको बताता हूँ। साइड्स जो हैं वो इस बार प्लास्टिक के हैं, तो लास्ट ईयर वो एल्युमिनियम था, इस बार साइड्स प्लास्टिक दिए। ऊपर आपको आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, नीचे आपको सिम स्लॉट है और यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, जो कि USB 2.0 है, 3.0 नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफी ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। हैप्टिक्स मेरे को काफी ज्यादा अच्छे लगे, हैप्टिक्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सटल फीडबैक देता है, तो लगता है कि हाँ आप एक फ्लैगशिप फोन चला रहे हो। स्पीकर जो इसके स्टीरियो है और मेरे को लाउड लगा, बट हाँ उनमें रिचनेस नहीं है, ऐसा लगता है काफी ज्यादा टीनी साउंड करते हैं। और अगर वेट की बात करें तो फोन का वेट जो है वो काफी ज्यादा भारी नहीं है, 200 ग्राम्स के अंडर आता है, 194 ग्राम्स के करीब ये है। और पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, और सामने जो है ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि बताया है ओपो ने कि इसमें आपको 20% ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है ड्रॉप रेजिस्टेंट गोरिल्ला ग्लास 5 से। चेक तो कर नहीं पाएंगे बट सही है, अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.74 इंच का OLED पैनल, 120Hz तक इसका रिफ्रेश रेट है, और जैसा आप देख पा
रहे हो, मैं टेस्ट कर रहा था इसको, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मेन्यू में ज्यादातर रहता है, बट कुछ कुछ एप्स में ये है जो आपको वापस से 90 या फिर 60 पे लेके चला जाता है। ट्विटर पे 120 हर्ट्ज रहता है बट यूट्यूब पे 90 हर्ट्ज आता है। सिमिलरली क्रोम में भी जो है थोड़ा 60 हर्ट्ज या फिर 90 पे कभी कोई स्विच करता रहता है। तो हाँ, रिफ्रेश रेट मेरे को थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना चाहिए ओप्पो को। ब्राइटनेस की बात करें तो इजिली आपको आउटडोर विजिबल रहेगा, 1100 निट्स तक इसका ब्राइटनेस जाता है, और अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो 1400 निट्स तक ये जा सकता है। 10 bit ये डिस्प्ले है तो कलर्स जो है काफी ज्यादा पॉपी लगते हैं। कलर एक्यूरेट आप बोल सकते हो कि DCI P3 100% है इसका। और डिस्प्ले अगर आपको कलर इतने पसंद नहीं आ रहे तो उसमें दो मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक सिनेमैटिक और एक ब्रिलियंट, तो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हो। और टच स्मूथनेस की भी बात करें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, उतना ज्यादा हाई नहीं है फ्लैगशिप जितना, बट गेमिंग में मुझे कोई भी इशू नहीं आया था। अब इस फोन के कॉन्स के बारे में बात करते हैं। यहां तक तो सब अच्छा अच्छा था फिर भी, बट अब कुछ चीजें हैं जो हो सकता है आपके लिए डील ब्रेकर हो। सबसे पहला, अगर जब आप फोन को सेटअप करते हो तो जैसा आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे, बहुत सारे ऐप रिकमेंडेशन आता है। अब ये चीज है ना, मैं बजट फोन में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट एक फ्लैगशिप फोन में अगर आप भी ले रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगने वाला है। जैसा आप देख पा रहे होगे, इतने सारे इसके अंदर ऐप्स हैं, इतने सारे गेम्स इसमें डले आते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई यूज फोन खरीदा है। तो सिर्फ ब्लॉटवेयर में बात खत्म नहीं होती, जैसा आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन भी बहुत सारे आते रहते हैं इस बिल्ट इन ऐप से। चलो एक बार के लिए हम उसे भी बंद करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, साइलेंट कर देते हैं। अगर हम इसके ब्राउजर को ओपन करते हैं, जो कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्रोम ही आप चलाइएगा क्योंकि इसका इंटरनेट ब्राउजर बहुत बेकार है। इसमें अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो ये जैसा आप देख पा रहे हो ये विडमेट फोन पे, तो इनका ये कहना है कि आप सारे ऐप्स डाल लीजिए, जो इनका 256 GB स्टोरेज है वो भर दीजिए इन्हीं के सारे ऐप से। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 13 है, कलर OS 13 पे ये बेस्ड है। 3 साल का आपको OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो मैं होप करता हूँ कि उन अपडेट्स के साथ थोड़े ब्लोटवेयर प्लीज कम कर दीजिए, क्योंकि अगर फ्लैगशिप फोन ले रहे हैं तो वो एक एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई भी कंज्यूमर 50-55 के अगर किसी चीज पे खर्च कर रहा है तो वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहता। जरूरी नहीं है कि वो भी वो सारे सेटिंग से ऑफ कर पाए इन चीजों को। तो अब इसके बजट की बात करते हैं कि ये फोन कहाँ स्टैंड करता है। पहले कॉम्पिटिशन को देख लेते हैं, iQOO 11, OnePlus 11 और Vivo X95G, ये 3 फोन है जो इस प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम OnePlus 11 की बात करें तो उसमें आपको Quad HD पैनल देखने को मilta है, जो कि एक LTPO पैनल है, प्लस 5000 mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 2 और Hasselblad का कैमरा सिस्टम। बट हां, मैं इतना बोलूंगा कि कैमरे के लेवल में Oppo जो है थोड़ा आगे है, लेकिन अगर हम ओवरऑल फोन को देखें तो बेटर निकल के आता है गेमर्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है और सारे जो डिस्प्ले के एंड से, बैटरी के एंड से, वो काफी ज्यादा हाई एंड है, इससे काफी ज्यादा आगे है। सिमिलरली वो iQOO 11 में भी आता है, 8 Gen 2 के साथ आता है, UFS 4.0 उसमें स्टोरेज टाइप है उसके अंदर, बट 3 साल का ही OS और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट है। बट स्टिल अगर कोई गेमर है तो वो iQOO 11 ज्यादा प्रेफर करेगा। Vivo X90 में डायमेंसिटी 9200 है, जो कि अच्छा है, बट स्टिल मेरे को लगता है वो फोन मेरे को उतना फ्लैगशिप नहीं लगता। तो ये फोन कहां स्टैंड करता है मेरे हिसाब से, अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए जिसके अंदर आपको पोर्ट्रेट बहुत सारे लेने हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अगर आपके लिए गेमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपको थोड़े लेस ब्लोटवेयर चाहिए तो मैं आपको OnePlus 11 रेकमेंड करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा बेटर डील है। आपको ये फोन कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।